हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी हम हैं काठमांडू के बौधा इलाके में। इस जगह का नाम बौधा है और हम आए हैं बौद्धनाथ टेंपल देखने। तो बौद्धनाथ स्तूपा जिसे हम कहते हैं। तो मार्केट में दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक है अभी जिस जगह पर हम हैं, और आप देख रहे हैं बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे घूम रहे हैं। तो बस थोड़ी दूर यहाँ से आगे चल के जाना हमें बौद्धनाथ स्तूपा के लिए। क्राउड बहुत तगड़ा है यार, ये आप देख सकते हैं नेपाल का ट्रैफिक, और बहुत ही तगड़ी भीड़ है। और ये है एंट्री बौद्धनाथ स्तूपा की। तो यहाँ से हमें अंदर चलना है, अब देखना है एंट्री फी कुछ है या नहीं है। मुझे लग रहा है शायद एंट्री फी है, यहाँ पे बोर्ड तो लगा हुआ है। और ये एंट्री है, अब इधर से एंटर कर चुके हैं। हेलो, नमस्ते। तो ही यहाँ पे आपको टिकट लेनी पड़ेगी। ये हमारा टिकट काउंटर है यहाँ पे, और 100 रुपीज़ की आपकी टिकट लगेगी। ये ऐसा कुछ टिकट हमें मिला है यहाँ पे। और थोड़ी आगे आते ही आपको यहाँ पे टिकट चेक करानी पड़ेगी, और उसके बाद फिर आप आगे की तरफ जा सकते हैं। हेलो, नमस्ते, थैंक यू। तो भाई साहब, टिकट चेक हमने करा ली है, और ये है भाई बौद्धनाथ स्तूपा। क्या ही नज़ारा है यार, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्तूपा है, जैसे आप बुद्धिस्ट टेंपल बोल लो या मंदिर बोल लो। गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग आए हुए हैं दर्शन करने, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। और स्तूपा के चारों तरफ इधर आप दुकानें भी देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारी कल्चरल दुकानें हैं, जहाँ पे आपको रिलीजियस सिंबल्स, मालाएं और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। कुछ यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये जो स्तूपा बिल्ड है, ये 100 मीटर, तो जो गोल वाला आप देख रहे हैं जो गुंबद टाइप का बना हुआ है, 100 मीटर उसकी डिस्टेंस है। और पूरा जो हाइट अगर इसकी है, ये 43 मीटर की इसकी हाइट है। तो काफ़ी, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्तूपा माना जाता है बौद्ध स्तूपा, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी नाम है इनका। और 1979 में बौद्धनाथ स्तूपा को लिस्ट करा गया था एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ पे नेपाली और बुद्धिस्ट जो हमारे तिब्बती हैं, दोनों के लिए ये बहुत मान्यता रखता है बौद्ध स्तूपा। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे गौतम बुद्ध के रेलिक्स यहाँ पे रखे गए हैं, उनके अवशेष, उनकी जो हड्डियाँ थी वो कुछ यहाँ पे भी रखी गई हैं। तो ऐसा हिस्ट्री में यहाँ पे माना जाता है। तो स्तूपा का दोस्तों ये जो एरिया है बहुत ही बड़ा है। आपको यहाँ पे एक सर्कल पूरा घूमने में लग जाएंगे, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्राउड है दोस्तों, लोग पूरे वर्ल्ड से आते हैं यहाँ पे दर्शन करने। और ये हमारे कुछ बुद्धिस्ट, तो दोस्तों अभी यहाँ से हमें जानकारी मिली है कि ये जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं बड़ा सा गोल सा गुंबद जो बनाया गया है, तो नेपाल में जब भूकंप आया था तो उसमें क्रैक पड़ गया था, तो अभी वहाँ पे उसका रिबिल्ड स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, रिनोवेट करा जा रहा है। और एक चीज़ आप देख रहे होंगे, स्तूपा के चारों तरफ जो ये आईज पेंट करी गई हैं चारों तरफ, तो इसकी कुछ ऐसी मान्यता है कि
बहुत धर्म के हिसाब से कि जब आपको एनलाइटमेंट होता है तो आप अपने नज़रों के पार देख सकते हैं। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दोस्तों, तो यहाँ पे पूरी दुनिया से आपको लोग दिखेंगे, काफ़ी सारे बुद्धिस्ट और नेपाली जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं वो तो आते ही हैं, और बाकी दूसरी जनता भी बहुत आती है यहाँ पे दर्शन करने। तो ये है दोस्तों मेन एंट्रेंस, जहाँ पे सारे लोग प्रसाद ले रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे लगता है क्लोज कर दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ कुछ धूप वगैरह जो चीज़ें होती हैं हवा को शुद्ध करने के लिए वो जलाई जा रही हैं। और काफ़ी देर से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये फॉरेन लेडी यहाँ पे प्रेयर कर रही हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर। और स्तूपे के मेन एंट्री के सामने दोस्तों ये बहुत बड़ा यहाँ पे घंटा आपको दिखेगा, जो अक्सर आपने देखा होगा बौद्ध टेंपल में बहुत बड़ा घंटा लगाया जाता है। तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पे अगर किसी मॉन्क से हमारी बात हो पाएगी तो ज़्यादा जानकारी के लिए। तो दोस्तों सुपुआ के एंट्रेंस गेट के बाहर यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ये कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो हवन सामग्री जिसे हम कहते हैं, और ये यहाँ पे इसमें डाला जाता है एक बड़े से कुंड में, यहाँ पे आग लगाई गई है तो जो भी आता है वो यहाँ से खरीद के इसमें डालता है, और जैसा हम हवन सामग्री डालते हैं वही सेम चीज़ है। और ये हमारे कुछ यहाँ पे व्यूअर्स हैं तो जिन्होंने मुझे बताया कि वो ऑलरेडी हमारे वीडियोस देखते रहते हैं, तो लोग यहाँ पे आते हैं अपनी मालाओं को वो करने प्यूरिफाई करते हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं। एक बार हाय कर दो गाइस, थैंक यू। देखते हैं अंदर और देखते हैं अंदर का क्या नज़ारा है, और अंदर हाँ नो वीडियो इनसाइड, ओके सो वी कैन रूम या ओके। दोस्तों यहाँ पे ये बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे अपनी साधना में लगे हुए हैं एक फॉरनर, और अंदर पता नहीं वीडियो अलाउड है कि नहीं अलाउड है, एक बार कंफर्म कर लें फिर आपको अंदर लेके जाके दिखाते हैं। तो गाइस अंदर वीडियो अलाउड नहीं था इसीलिए हम अंदर दर्शन तो कराए, अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। स्तूपा के चारों तरफ दुकानें लगी हुई हैं छोटी छोटी, जहाँ पे आपको हिस्टोरिकल बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी देखने को, और यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग भी आपको दिखेंगे। तो ये था वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्तूपा, 14th सेंचुरी में से बनाया गया था। तो आपको कम से कम 10-15 मिनट यहाँ पे लगेंगे स्तूपा के पूरे चक्कर लगाते हुए। गेट दोस्तों इधर से भी है, तो टोटल जो गेट यहाँ पे बौद्धनाथ स्तूपा में है 5 गेट हैं टोटल। तो हम किधर से आए थे यार वो तो मैं भूल ही गया। ये देखो यार क्या ट्रेडिशनल पेंटिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त।
तो सारे ही लोग मिलेंगे जो स्तूपा की परिक्रमा कर रहे हैं। काफी सारे लोग यहाँ पे दोस्तों कंटिन्यूस आ रहे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं बौद्धनाथ स्तूपा की। बौद्ध धर्म में इस स्तूपा की बहुत महानता है दोस्तों। 14th सेंचुरी में इसे बनाया गया था और रिकॉर्ड के हिसाब से ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूपा है। और इधर सारी ही दुकानें आपको मिल जाती हैं, मनी एक्सचेंज की, हैंडीक्राफ्ट्स, टूरिज्म, और ये यहाँ पे कई सारे दीपक जो जलाए गए हैं, ये ऐसा बताया गया है कि स्तूपा के चारों तरफ ये दीपक जलाए जाते हैं। स्तूपा के कैंपस में भी हम घूम रहे थे और एक दोस्त हमें मिले हैं जो इंडिया से हैं, बादल, अब वो नेपाल में रहते हैं। बादल प्लीज़ कम। सो बादल हमें मिले हैं बौद्धनाथ स्तूपा में और यहाँ पे इनका स्कूल है, स्कूल ऑफ थैंका पेंटिंग। तो बादल अभी हम लेकर जा रहे हैं अपने स्कूल को दिखाने, तो चलते हैं और इनकी पेंटिंग्स को थोड़ा देखते हैं। और ये स्तूपा की मेन एंट्रेंस है यहाँ पे, और उसके जस्ट थोड़ा सा इधर यहाँ पे अंदर जो मार्केट है, यहाँ पे ये स्कूल है, तो स्कूल ऑफ थैंका पेंटिंग। और ये नीचे शॉप है और ऊपर बच्चे सीखते भी हैं ये थैंका पेंटिंग। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं अंदर स्कूल ऑफ थैंका पेंटिंग। हेलो, हाय सर, हाय, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो गाइज स्कूल ऑफ थैंका पेंटिंग, यू आर रनिंग हियर, व्हाट्स योर गुड नेम? आई एम ताशी लामा। Tashi Lama. The school name is Rinchali Thanka Art School. So this is located in the Bodha Stupa. Okay. So one of the Bodha Stupa can say. So we have many artists making a thanka. ओके सो गाइज अभी हम ऊपर की तरफ चलते हैं और जो आर्टिस्ट हैं ऊपर पेंटिंग्स बनाते हैं, जो सीख रहे हैं या जो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से हमें चलना पड़ेगा कुछ सीढ़ियों को चढ़ के। या बेस्ड इन इंडिया। तो गाइज स्कूल ऊपर चलता है और नीचे शॉप है, तो आप चाहें तो पेंटिंग्स नीचे खरीद भी सकते हैं। And I have to take shoes off? No, you don't have to take shoes off. Like, I could speak Hindi, but my Hindi is not that good. No problem. You can speak in English. Okay. Yeah, whatever language you like. Yeah. So, like, all those paintings from downstairs shops, you see like a thanka. Okay. So, okay. Thanka is like traditional Tibetan Buddhist art. Used to depict like various paintings, gods, and, you know, beautiful animals, symbols, and beautiful scenes and have beautiful meanings in our life. And everything you see right here, we make it from scratch. Okay. So, and how we make it? So this is a canvas, and for the canvas making, you use this kind of cloth. Cloth, okay. So this is like cotton cloth. Okay. And we have like this special type of marine clay and yak skin. Okay. So what we do is we boil them together in the water for hours, and we get that thick consistency and paste, and we apply it in this cotton cloth, and after we tighten them up and dry them up in the sun, and we get this canvas. Okay. So for the sketching part, we have got like different sorts of formulas, methods, and techniques. We use like various things like protector scales and various things like in mathematical instruments like compass and all that. The sketching parts. Yeah. And we draw us, and it has to be exact same. Like we cannot modify it. Like it has to be exact same. अभी संदन ने हमें बताया कि ये पेंटिंग कैसे ड्रॉ करते हैं। ये कैनवस है जहाँ पे ये डिजाइनिंग कर रखी है, और ये कुछ पाउडर है हिमालयन क्ले। ओके, सो इसको कुछ घंटे तक भिगो कर रखते हैं, फिर इस टाइप के कॉटन क्लोथ में इसे बांध के, और फिर उसके ऊपर पूरा फैलाया जाता है, और कैंपास के द्वारा जो भी मैथमेटिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके द्वारा मेजरमेंट्स करके फिर ये पिक्चर्स बनाई जाती हैं, और ड्रॉ होने के बाद ये कुछ इस तरह की लगती है। तो ये भी अभी रॉ फॉर्म में है, इसके बाद फिनिशिंग करी जाती है इसकी बहुत सारी। तो यहाँ पे अंदर, यहाँ पे स्कूल चल रहा है, तो हम चलते हैं अंदर।
तो जहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे आर्टिस्ट दोस्त वो ऑलरेडी वर्किंग हियर, तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। This one is the initial stage of Thangara. Okay, this is the initial stage. Yeah, after the finishing like canvases and sketching, this is the initial stage. We paint the skies, okay, and the like grounds and hills, and we work on layering and layering. Okay. That's very nice. तो गाइस बाहर जो हमने देखा जो कैनवस में ड्रॉ करा गया था उसके बाद ये सेकंड स्टेज में यहाँ पे आके ये लेयर बनाई जा रही है। तो जैसा यहाँ पे सानवा ने हमें बताया कि यहाँ पे लेयर्स बनाई जाती हैं उसके बाद ही एक फिनिश्ड पिक्चर बनती है आपकी। ओके सो मल्टीपल आर्टिस्ट आर वर्किंग इन द सेम पिक्चर। Like we can work only single person on single project, right? So like if we do that thing, then it can take like a lot of time and a lot of money. Then it would be really expensive to afford it, right? So to minimize the cost, to minimize the time, you know, to increase efficiency. So multiple people, artists are working on the single picture. Yeah, single picture. Like we have like people who are expertise in their own expertise field. in their area. Yeah. Okay. Some are expert in painting, some are expert in sketching, sketching. And some are expert in gold filling. Gold fillings, yeah. Like, to finish these products, right? So it takes an average of 7 to 8 months. For one picture? Yeah, for one picture. Okay. So multiple person, if multiple person work on only one picture, it can take more than 7 to 8 months, depending upon the qualities and sizes. Okay. And I just said average, so it can take, for a small picture, it can take more than, like, it can take about, like, 2 to 3 months, right? So for, like, For the big one, it takes 7 to 8 months, you say? No. Average. So you can see that. So guys, जैसा सानवा ने हमें बताया कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको बनाने में। ये जो बड़ी पिक्चर्स आप देख रहे हैं इसमें मिनिमम 7 to 8 months लगते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा बड़ी पिक्चर है जैसे ये सामने आप देख रहे हैं सो ये आपका 1.5-2 साल से भी ज़्यादा लग सकता है इसमें। It was a project by a monastery in from China. Okay. It took more than 1.5 years. Okay. And we haven't even finished it. Okay. So guys, इसमें 1.5 साल से ज़्यादा लग चुका है और ये चाइना से प्रोजेक्ट मिला हुआ है मोनेस्ट्री से, तो ये अभी भी ये प्रोडक्ट है ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से यहाँ पे काम करा गया है, आपको देखकर लगेगा नहीं कि ये पेंटिंग है, आपको लगेगा कि ऐसे पिक्चर क्लिक करी हुई है। तो बहुत ही बेहतरीन कलाकारी है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? थैंका। ओके। तो गाइज यहाँ पे जितना भी आप जो गोल्ड कलर आप देख रहे हैं जो पैटर्न करा गया है वो 24 कैरेट गोल्ड में ही पेंट करा जाता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे गोल्ड की पेंटिंग हो रही है यहाँ पे, और ये बहुत ही बारीक काम है गाइस, बहुत ही टफ है, इसको सीखने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। हाउ मच टाइम डज इट टेक एन आर्टिस्ट टू लर्न दिस काइंड ऑफ आर्ट? सो लाइक वी हैव लाइक पीपल्स रेंजिंग फ्रॉम स्टूडेंट टू ग्रैंड मास्टर लेवल ओवर हियर। ओके। सो एन एवरेज पर्सन लाइक मी जस्ट हु आर लर्निंग, सो इट टेक्स लाइक टू लर्न दिस थिंग्स, like depending upon the person, it can take like approximately just learning these things, it can take 2 to 3 months. To get the master level, it can take more than 10 years. 10 years. And to get the grandmaster, it can take more than 20 years. Okay. So guys, ये skill आप सीख सकते हैं 2 से 3 महीने में, पर आपको approximate 10 साल लग जाएंगे उसको master करने में। Let me show you. तो guys, ये जो कलाकृति आप देख रहे हैं यहाँ पे जो colors use करे गए हैं ये 100 साल से भी ज़्यादा चलते हैं ऐसा सानवा ने हमें बताया। तो बहुत ही बारीक काम है यार ये, मैंने तो पहली बार देखा है। Is this your first time in Nepal? Yeah. Where are you from? I'm from India. चुके हैं एक और रूम में जहाँ पे सारी पेंटिंग्स सजाई गई हैं, और ये क्या बेहतरीन लग रहा है यार ये। एंड इट इज़ ऑल हैंडमेड नो? Everything which is written? Yeah, everything from scratch. तो guys, इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बारीक लिखा गया है, और पूरा एक सर्कल में थोड़ी सी भी लाइन इधर उधर नहीं है।
और ये बहुत ही बेहतरीन so this one लग रहा है. लाइक मंत्रा मंडाला, दिस इज अ टाइप ऑफ मंडाला एंड इट इज स्पेसिफिकली कॉल्ड मंत्रा मंडाला एंड दिस स्क्रिप्चर्स आर रिटन इन तिब्बतन लैंग्वेज एंड इट लाइक इट शोज लाइक like what it's spelled is like Om Mani Padme Hum in Tibetan language. Okay, so it's written in Tibetan language. Okay. So you can see the symbol of Om right here. Universe. It's written in all these are the holy scripts. Yeah. Om Mani Padme Hum is like a mantra. Mantra. Yeah. Okay. Mantra. Okay. So like you can see right here, we have like. You can see all those pictures, right? Each and every picture have. We got the overall idea that what it is. Behtareen pictures hain guys. Ye sare students ne banayi hui hain. So like you see outside the stupa, right? Mm-hmm. So like this is the exact view of Bodhanath stupa from the top. You know? Okay. So this is the from the top it's the main architecture like this. Yeah, like stupa is made on the mandala architecture. Okay. Mandala architecture. So specifically, it is called Kalachakra Mandala. Okay, Kalachakra. Kalachakra. That is the Kalachakra. Okay, Kalachakra means wheel of time. Wheel of time. Wheel of time. That is the series. Yeah. Kalachakra. That in Hindi we call Kalachakra. Yeah. So Kalachakra. That is the okay. So it is called the Kalachakra. Yeah, Kalachakra Mandala. Kalachakra Mandala. So, like, so mandala, what does it mean? I mean, what exactly it? So mandalas, all the circles you see are called mandalas, and like. Mandala has like philosophy, right? We can have all everything in our lives. Caches, we can have assets, we can have like houses, we can have cars, bikes, everything, right? Okay. Then those things can be transferred from one person to another person. Okay. And if I have caches right now, then those things can be given to one person to another person, right? Mm-hmm. Like, but our human happiness, right? Mm-hmm. Human peace, their peace in their mind, and karma. Good karma and bad karma. Those are the things we have to be created by ourselves. Like we cannot transfer it to from one person to another person. Mm-hmm. If I have good karma, then I can give it to you. Like if you have good karma, then you cannot give it to me. Okay. Those are the things, and it has like very beautiful meanings in our life. So this is what I say. Like it has this. That one has different meaning. That one has different meaning. Mm-hmm. Like, a lot of things you see. Guys, ये जो आप देख रहे हैं चक्र इसे बोला जाता है काला चक्र मंडाला. तो जो स्तूपा अभी हमने आपको बाहर दिखाया वो इसी के आर्किटेक्चरल बेस के ऊपर बनता है. ये आप लगा सकते हैं, ये टॉप व्यू है स्तूपा का और इसी के आर्किटेक्चरल बेस पे स्तूपा डिज़ाइन होता है. सो गाइस, ये हमारा ओल्ड वर्जन था काला चक्रा का, जिसके आर्किटेक्चर पे आपका स्तूपा बनाया जाता था. अब उसको मॉडिफाई करके ये न्यू स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, न्यू डिज़ाइन, तो जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. और जितने भी यहाँ पे आप पेंटिंग्स देख रहे हैं ये सारे ही मंडाला कहा जाता है, बट इन सब का पर्पस और मीनिंग अलग होता है सबका. और यहाँ पे ऐसी हजारों पेंटिंग्स यहाँ पे रखी हुई हैं जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं. तो गाइस, जब भी आप नेपाल आते हैं, अगर बौद्धनाथ स्तूपा अगर आप आ रहे हैं तो स्कूल ऑफ थैंका थैंका स्कूल में आप ज़रूर आएँ. और यहाँ पे जो भी पेंटिंग्स आपको अच्छी लगती हैं आप ज़रूर यहाँ परचेज कर सकते हैं. मैं शॉप में थोड़ी सी और चीज़ें आपको दिखाऊंगा नीचे, तो चलते हैं अभी हम नीचे शॉप में. तो ये गाइस, स्कूल और शॉप दोनों एक ही में है. नीचे शॉप है और उसके बाद फिर गैलरी है और फिर स्कूल है. तो ये यहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं जो सो वर्ल्ड से जितने भी गाइस यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं वो यहाँ पे आकर ये पेंटिंग्स खरीद सकते हैं. तो गाइस, सानवा ने हमें पूरा स्कूल हमें दिखा दिया, यहाँ की शॉप दिखा दी. तो यहाँ की पेंटिंग्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें पसंद आई. और अगर आप नेपाल आते हैं तो बौद्धनाथ स्तूपा के अंदर ही ये स्कूल है, स्कूल ऑफ थैंका, तो यहाँ पर ज़रूर आए. और जो भी आपको आर्टिस्टिक पेंटिंग अच्छी लगती है आप ज़रूर यहाँ से परचेज करें. तो गाइस, अभी हम बौद्धनाथ स्तूपा के बाहर आ चुके हैं और अब टाइम हो गया है हमारा वीडियो क्लोज करने का. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.